हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। बाकी ये APL ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है और ये सेमीफाइनल का Day 3 के मैचेस है, जहाँ पे आपको CG का बैक टू बैक डबल चिकन डिनर देखने को मिलेगा। तो चलते हम सीधा वो मैच की तरफ, एंड इसमें आपको एस पावर भी खेलते हुए देखने को मिलेंगे और आपको नाम पता ही है। और अकेले प्लेयर किस तरीके से संभालेंगे हेक्टर, वो देख शॉट बचाना चाहेंगे, लेकिन अभी सामने की तरफ हैदराबाद हाइड्रास नाम का चैलेंज, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल, गोब्लिन इंसिडियस को डाउन करेंगे, ओपन में प्लेयर आए, शॉट देने की कोशिश की गई है यहाँ पे। कार्निवल गेमिंग अप्रोच इन करते हुए आगे शॉट देंगे, एक और प्लेयर को डाउन करेंगे गोब्लिन, दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं। मोक्स भी आगे की तरफ, लेकिन इस तरफ देखिए ओमेगा भी तैयार, ओमेगा भी तैनात, मोक्स को स्पॉट करेंगे, ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी। दूर से गोब्लिन ने कुछ और शॉट्स निकाले हैं एंड वहां पे 4 फिनिशेस गोब्लिन के खाते में आते हुए गोब्लिन गॉडलिन मोड हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिवेंट कर पाएंगे इनका इन्वेजन, रोकने की कोशिश, लेकिन अंदर हर जगह मॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है। डायनोसिस को बाहर आना ही पड़ा और डायनोसिस ने स्पाइक को तो डाउन किया, लेकिन नियो थे वहां पे डायनोसिस को टेक डाउन करने के लिए। तो इनसेन ईस्पोर्ट्स के सामने कार्निवल गेमिंग के नियो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के नजर आए हैं। जी हाँ, एंड उसी के साथ टीम कार्निवल गेमिंग पूरा कोशिश कर रही है कि जितने भी उनको मौके मिले उन मौके को इधर भुनाने की, क्योंकि वो इधर बार जो है वो थर्ड पार्टी करते हुए दिखेंगे। 6 फिनिशेस तो ऑलरेडी आ चुका है, टीम इनसेन अभी भी कंटिन्यूअसली कोशिश कर रही है ग्रेविटी जॉट को इधर डाउन करा जाए, एंड उसी के कोशिश में लगे हुए हैं टीम इनसेन। उनको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर ज्यादा ओपन में जाएंगे तो इनके ऊपर भी वो शॉट्स कनेक्ट होते हुए दिख सकते हैं। दूसरी तरफ अक्षत इधर नॉकआउट होते हुए दिखे और फाइनली ग्रेविटी जॉर्ड, उनको भी समाप्त किया जाएगा। सो दैट मींस अभी फाइट आ चुका है इनसेन वर्सेस कार्निवल गेमिंग के बीच में, 4v4 का ये फाइट है, लेकिन नॉकआउट भी थोड़े बहुत देखने के लिए मिल रहे थे। अक्षत को अभी तक उठाया नहीं गया है, सो दैट मींस 3 ही प्लेयर रहेंगे कार्निवल गेमिंग के जो फाइट लेने के लायक बचे हैं। दूसरी तरफ शैडो, उनको इधर नॉकआउट किया गया। तो दोनों ही टीम अपने बहुत ही अच्छे लेवल पे जाके ये खेल दिखाते हुए धीरे धीरे इसे ही आगे बढ़ने की करेंगे कोशिश, क्योंकि जोन हो रहा है छोटा, कंपाउंड अभी भी जोन में है। ये ग्रेनेड अगर कनेक्ट होता है स्पाई ओपी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, स्पाई ओपी अभी भी बचे हैं। विविल, उनको इधर समाप्त किया गया, अभी सिर्फ और सिर्फ 6 प्लेयर, देखते ही देखते सिर्फ 1 प्लेयर बचे हैं और उनके कंधों पे पूरा का पूरा भार, लेकिन कार्निवल गेमिंग उनके पास है 3 प्लेयर। देखते हुए सामने आखिरी नहीं अकेले खिलाड़ी है सामने प्रिंस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन नियो ने बड़े आराम से प्रिंस को डाउन किया, राइट ऑफ द बैट कंफर्मेशन भी आ चुका है, लेकिन अभी कार्निवल गेमिंग आगे बढ़ेंगे और ढूंढने की कोशिश, जोन भी पकड़ लिया जाए, लेकिन इस बार कार्निवल गेमिंग के साथ TWOB का ये फाइट हो सकता है शुरू। पहला ग्रेनेड प्लेयर 1 के ऊपर कनेक्ट भी होता हुआ और नियो इधर गन से नॉक डाउन कर देंगे रहने वाले लेजिट के ऊपर, वो ग्रेनेड अक्षत का, और देखिए ग्रेनेड उतना लग नहीं रहा, ग्रेनेड से थोड़ा डैमेज दिया जा रहा है और उसके बाद गन से कहानी खत्म किया जा रहा है। कार्निवल गेमिंग के गॉब्लिन थे इधर जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से संभाले हैं, बट वशिष्ठ ईस्पोर्ट्स वो भी पीछे से थर्ड पार्टी के लिए रेडी है। तो इधर 3-3 टीम्स हैं आसपास, तो टीम कार्निवल गेमिंग को भी संभालना होगा, लेकिन 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं और आखिरी प्लेयर टीम TWOB के छुपे हुए रेड बिल्डिंग के ऊपर। अब उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे टीम वर्ल्ड ऑफ बैटल के सबसे पहले खिलाड़ी प्रिंस को भी इन्होंने एलिमिनेट किया था, और अब आखिरी प्लेयर को ढूंढने की कोशिश, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर हम कार्निवल गेमिंग चाहते तो इनको ढूंढना, लेकिन अनुज 2OP फायदा उठाएंगे, नियो को डाउन किया गया है यहाँ पे, ओपन में थे बट अभी क्या नियो बच पाएंगे, नहीं दीवार है वहाँ पे, स्मोक करना पड़ेगा फटाफट से तभी नियो बच पाएंगे, लेकिन नियो के साथ साथ एक और प्लेयर को गिराते हुए नजर आए। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर क्लोज इन, अनुज 2OP आगे बढ़ रहे हैं, अनुज 2OP टेक डाउन करना चाहते हैं, कार्निवल गेमिंग को शट डाउन करना चाहते हैं, लेकिन इनके वहां पहुंचने तक क्या रिवाइवल हो पाएगा? जी हाँ, रिवाइवल एक खिलाड़ी तो हो चुका है, लेकिन अब सीक्रेट भी डिस्टेंस से नजर आ रहे हैं, हालांकि मिनी मैप में अभी तक मौजूद नजर नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ओपन में आए थे, ओमेगा ने फायदा उठाया, ओमेगा ने समझ चुके थे कि 2 प्लेयर को जो पहाड़ है उसे जो पकड़ेगा उसको एडवांटेज होगा, विक्स की जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए एक बार फिर से ओरांगुटान प्लेयर 2 डाउन होते हुए, SBA के छोटू को भी डाउन किया गया, डबल लिया जाता हुआ नॉकआउट निकलने की कोशिश अभी चल रहा है, नकुल इधर नॉकआउट हो चुके हैं, बचे हैं सिर्फ रॉनी एंड मान्या। रॉनी एंड मान्या कोशिश इनका यही रहेगा सर्वाइवल की और उसी के साथ एंट्री की, जो एंट्री करने के लिए, हालांकि उनके पास अभी भी 1 मिनट 10-20 सेकंड के आसपास का टाइम है, लेकिन वो टाइम भी काफी नहीं, उसी के चलते उसी बीच में रॉनी का भी नॉकडाउन हो गया। इधर बगल में पहाड़ी के ऊपर ओरांगुटान के प्लेयर्स भी हैं, हालांकि उनको भी सर्कल के अंदर जाना है, लेकिन माने के क्योंकि रिफ्लेक्स से प्लेयर 2 को स्पॉट किया, तुरंत डाउन किया है, प्लेयर 1 को भी स्पॉट करेंगे, स्प्रे करने की कोशिश, शॉट्स कनेक्ट हुए तो हैं, लेकिन अभी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ओरांगुटान और टीम आइकोसोल दोनों खिलाड़ियों को अंदर जाना है,
दोनों प्लेयर्स को अंदर जाना है, दोनों टीम्स को अंदर जाना है, माने आखिरी खिलाड़ी। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया प्लेयर वन को एलिमिनेट करना, प्लेयर टू का फिनिश तो कंफर्म हो जाएगा, बट प्लेयर वन के पीछे प्लेयर टू भी हैं खड़े हुए वहाँ पे। गॉडलाइक की बात करें काफी नज़दीक, सामने की तरफ शॉट देने की कोशिश, एडमिनो ये क्लच मोमेंट है, ये जरूरी मोमेंट है, जैप को डाउन किया है यहाँ पे, पंक को उठाना पड़ेगा फटाफट से। जैप है सामने से कॉल आउट दे रहे होंगे, लेकिन जीगॉड को देखिए काफी डिस्टेंस से भी ये भी कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेयर वन शॉट देंगे मान्या को, लेकिन मान्या ने अभी के लिए तो स्मोक करके होल्ड किया हुआ है वहां पे, बट मान्या को बढ़ना पड़ेगा उनके तरफ क्योंकि वहां नहीं गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बट जेली तो एडमिनो काफी क्लोज है, यमजे एचपी ज्यादा है नहीं, ये क्लच अभी भी मुमकिन है और करते ही करते शट डाउन किया गया क्योंकि ओमेगा दूसरे तरफ जीगॉड को डाउन किए थे, उसी सेम सेकंड पे एडमिनो को इधर डाउन किया गया, यमजे वो भी इधर ज्यादा देर तक शायद नहीं रह पाएंगे, जी हाँ उनका भी काम खत्म। और अरिगातो इधर शॉट्स लेते लेते वो भी प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए। टीम लिम्रा समहाउ देखिए सरवाइव करते हुए एक बार फिर से टॉप फोर तक आ चुकी है। ड्रैगन डाउन एंड इज अबाउट टू गेट डस्टेड, बट हेस्पेरोस ये अपनी टीम को टॉप फोर में ले आए। सामने बात करें तो हमें टीम जीरो टीम कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ी नजर आते हुए टीम लिम्रा के एक खिलाड़ी बचे हुए हैं, और अब नियो अंदर आएंगे कार्निवल गेमिंग के प्लेयर हेस्पेरोस ये करते हुए किनके पास फर्स्ट एड ज्यादा है। फर्स्ट तो इधर कार्निवल गेमिंग आएंगे, सेकंड थर्ड और फोर्थ कौन आएंगे उसके ऊपर ये पूरा खेल चल रहा है। मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं, हेस्पेरोस को भी स्पॉट किया गया एंड यहां पे कार्निवल गेमिंग विनर।